हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है या ये पूछा जाता है कि सर कुछ ऐसे कॉइन्स बताइए जो आने वाले 4-5 साल यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो हमारा एक पोर्टफोलियो अच्छा हो, एक किस्मत चेंज करने वाली सिचुएशन में हो और हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। और क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखते हो तो कुछ भी पॉसिबल इस मार्केट के अंदर हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम ही अगर अभी की भी बात करते हैं तो हम बहुत ही शुरुआती स्टेज के अंदर हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके। और पिछले 10 से 11 साल की इसकी उम्र है और इतना कुछ इसने हड़कंप मचा दिया है पूरी दुनिया के अंदर कि ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी और ज़्यादा बूम और ज़्यादा बढ़ेगी। इंटरनेट याद है ना आपको, शुरुआत में क्या था और आज इंटरनेट के बिना आप अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है बहुत ही शुरुआती स्टेज के अंदर है और अगर आप इसको 4-5 साल दे सके, हमने 10,000 से ज़्यादा कॉइन्स में से 10 कॉइन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो हमें लगता है कि आने वाले 4 से 5 साल अगर आप इसके अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी करते हो या आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हो तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे के जा सकते हैं। और ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपको भाई के नाते ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म को देखते हो, ये मार्केट की उथल पुथल को देखते हो, इससे परे की अगर मैं बात करता हूँ तो आने वाले टाइम में अगर आप सुकून से सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो ये कॉइन्स आने वाले टाइम में हो सकता है आपके लिए एक गेम चेंजिंग या आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग पोर्टफोलियो बना सके। सारे कॉइन्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं। कोई पंप और डंप कॉइन्स की बात मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ और इन कॉइन्स के अंदर अगर आप बने रहते हो तो आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद कर सकते हो अगर आप 4-5 साल के लिए रहते हो। क्यों? क्योंकि अभी हम शुरुआती स्टेज में हैं। आप शुरुआती स्टेज के, आप कह लीजिए, इंसानों में से एक हो जो क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। हम आपके साथ में एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 साल के बाद में जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप भी कहोगे हाँ मैंने ये वीडियो देखी थी और मुझे इससे कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म की उथल पुथल से परे होके सोचते हैं कि मैं अगर 4-5 साल के बाद देखूँ अपने पोर्टफोलियो को तो क्या हो, तो शायद इन कॉइन्स की लिस्ट से उनको मदद मिल सके। और आप जो है लाइक कर दीजिएगा, यही हमें मोटिवेट करता है ताकि हम कोशिश करते रहें आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, हमारी लॉन्ग टर्म की 10 कॉइन की लिस्ट में सबसे पहला कॉइन है कार्डानो ADA। वन ऑफ द फेवरेट कॉइन्स है जो लोग होल्ड करते हैं, टॉप 3 के अंदर आता है। इसने बाइनेंस कॉइन को भी बीट कर दिया है और इस टाइम आज की बात करें ऑलमोस्ट 14% बढ़ा हुआ है, $2.4 इसका इस टाइम पे प्राइस चल रहा है। लेकिन क्या हो सकता है इसका पोटेंशियल, आप इसका आइडिया लगाइए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इसके अंदर एक अपडेट होनी है सेप्टेम्बर, अलोंजो हार्ड फॉक और उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कर पाओगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है उस पर आप जो है डैप्स बना सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, इतना कुछ कर सकते हो। इसकी वजह से हम उसके अंदर हाइप देखते हैं और ऐसा ही कुछ हमने सोलाना के अंदर देखा। सोलाना के अंदर जो है ट्रांजेक्शन्स काफ़ी फास्ट होती हैं, ऐसे ही कार्डानो के अंदर जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे तो क्या हो सकता है इसका प्राइस, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अगर हम दूसरे कॉइन की बात करें वो है बिटकॉइन। नंबर 1 रैंक है। बहुत लोगों की धारणा है कि बिटकॉइन से ज़्यादा हमें दूसरी क्रिप्टो करेंसी रिटर्न दे सकती है, ऑल्ट कॉइन्स रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि दूसरे कॉइन्स रिटर्न भी दे सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा आपको डाउन भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन की बात करता हूँ तो इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो लॉन्ग टर्म के अंदर 4-5 साल,
अगर आप इसको रखते हो 200 हफ्ते, जिसने भी इसको रखा है, क्या है इसके ऑल टाइम हाई पिछले 2017 की बात करें जब $20,000 पहुंच गया था, उसके बाद इसने हमेशा पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो अगर 4-5 साल तक इसको रखते हो, और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं या आप कह लीजिए मॉडल्स हैं, वो ये बताते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आपको ये $1,00,000 नहीं $10,00,000 यानी कि $1,000,000 अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो हो सकता है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है, आप देख सकते हो 10 साल के अंदर क्या ग्रोथ दिखाई है। तो इसके अंदर अगर ये $1,000,000 भी हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। दोस्तों हमारा तीसरा कॉइन है पैनकेक स्वैप 32, इसकी रैंक चल रही है, यूज्ड केस है, इसके ऊपर जो भी बाइनेंस चेन के प्रोजेक्ट हैं वो लिस्ट होते हैं और एक अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। 1 साल से कम की इसकी लाइफ है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में कितना पोटेंशियल यूज्ड केस का हो सकता है। हम ज़्यादातर जो कॉइन्स देखते हैं उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, बेस नहीं होता, लेकिन इन ऐसे कॉइन्स का एक यूज़ केस होता है जो हमेशा चलन में रहेंगे। तो आने वाले 4-5 साल के अंदर ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। दोस्तों हमारे चौथे कॉइन की बात करें, उसका नाम है बाइनेंस कॉइन BNB 4th, इसकी रैंक चल रही है $430 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको 4-5 साल के लिए कंसीडर करते हो तो इसके अंदर इतना कुछ है इस प्लेटफॉर्म पे, इसका एक्सचेंज खुद का है, इसके इकोसिस्टम की बात करें इसकी खुद की चेन है, बहुत सारे एक्सचेंजेस को वर्ल्ड वाइड जैसे कि इंडिया के अंदर WazirX उसको टेक ओवर किया हुआ है, लॉन्च पैड है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, इनका खुद का वॉलेट्स हैं, तो बहुत कुछ इसके अंदर है जो हर चीज़ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रहे हैं, और अच्छी बात क्या है कि टाइम टू टाइम ये जो है अपना बर्न करते हैं जो भी कॉइन्स हैं, जो भी उनको फीस जनरेट होती है, जो भी इनकम जनरेट होती है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ इथीरियम जैसे दिखा सकता है। दोस्तों हमारा अगला कॉइन है Polkadot 9, इसकी रैंक चल रही है $26 के आसपास इसका प्राइस है, और अगर इसका हाई की बात करते हैं तो रिसेंटली इसने अपना हाई बनाया था जब पूरी मार्केट अप गई थी $50 के आसपास, और इस टाइम पे $26 चल रहा है। जो भी प्रोजेक्ट इथीरियम के अंदर आप कर सकते हो ये सब चीज़ें Polkadot के अंदर भी कर सकते हो और उससे बेटर कर सकते हो। तो इसके अंदर पोटेंशियल है आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देख सके इस साल के एंड में और आने वाले 3-4-5 साल में, जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगी वैसे वैसे आप इसके अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको आपको बनाए रखना चाहिए। दोस्तों अगर हम अपने अगले कॉइन की बात करें वो है इथीरियम ईथर, नंबर 2 इसकी रैंक है $3,200 पे इस टाइम पे चल रहा है। कितने भी फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाए लेकिन आपको ये नहीं भूलना कि ये जो है ऑलरेडी एक स्टैब्लिश प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे अगर टीम की बात करें दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलपर्स किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वो इथीरियम में काम करते हैं। और समझ लीजिए ये एक बिल्डिंग की तरह है जिसके अंदर हज़ारों कमरे हैं और हज़ारों कमरों में अलग अलग तरीके के काम चल रहे हैं। इसके इकोसिस्टम की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर इकोसिस्टम है और बहुत कुछ हो रहा है। और अगर इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी रिसेंटली अपडेट आई है जो कि EIP 1559, जिसकी वजह से इसके अंदर एक और स्पाइक हो गई है कि जो इसकी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, जो अभी जो ब्लॉक बन रहे हैं उसका सर्टेन पोर्शन जो है इथीरियम बर्न हो रहा है, और 1-2 हफ्ते के अंदर ही लाखों करोड़ों रुपए के इथीरियम ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। लेकिन जब इसके अंदर इथीरियम 2.0 पूरा एस्टेब्लिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और इसकी ट्रांजैक्शन फीस और कम हो जाएगी और यह ट्रांजैक्शंस इसकी बढ़ने लगेगी, तो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि ये प्रोजेक्ट क्या कर सकता है। हमारा अगला कॉइन है यूनिस्वैप यूनी, जैसे हमने पैनकेक का बताया जो कि बाइनेंस चेन के प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च होते हैं, ऐसे ही इथीरियम के जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर आपके लॉन्च होते हैं या आप यहाँ पे रख सकते हो। 11वीं इसकी रैंक चल रही है, लेकिन इसके अंदर इतना पोटेंशियल है क्योंकि इथीरियम खुद में इतनी बड़ी चीज़ है और उसके ऊपर ये बेस प्रोजेक्ट है, और ये जो यूज़ केस की बात आती है, जब भी कहीं यूज़ केस होता है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की, तो यहाँ पे जब भी कोई चीज़ चलन में होती है या चलती रहेगी उसके अंदर कभी भी
आपको जो है रुकावट नहीं देखने को मिलेगी, हमेशा वो ग्रो करेगी देर सवेर के अंदर। और इसके अंदर अगर हम 4-5 साल तक बने रहते हैं और इथीरियम जैसे कॉइन ग्रो करता है तो आप इसके अंदर भी खुद सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। दोस्तों हम उन कॉइन्स की बात कर रहे हैं जो मार्केट में उथल पुथल से ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सके। और उसमें अगला कॉइन है चेन लिंक, लिंक 15 इसकी रैंक चल रही है। टेक्निकली और फंडामेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन इसको माना जाता है। और अगर रिसेंटली ही 1.5 साल ही हुआ इस प्रोजेक्ट को और रिसेंटली इसका देखें तो ये भी $50 के आसपास छू के आ चुका है जब मार्केट एकदम से अप हुई थी अप्रैल के अंदर। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सके, जैसे डॉट या दूसरे कॉइन्स की तरह। दोस्तों हमारा अगला कॉइन है सोलाना सोल, और इस टाइम पे इसका ही जलवा चल रहा है। लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो 4-5 साल के लिए, आई एम श्योर कि एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10वीं इसकी रैंक चल रही है, लेकिन इस साल में 50 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। और इसके ऊपर NFT की हाइप की वजह से या इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन आप कह लीजिए हैं, 65,000 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा पर सेकंड होती हैं और इसकी एक हाइप बनी हुई है। लेकिन ये जिस हिसाब से ग्रो कर चुका है ऑलरेडी, हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि इसके डिप में आने का आपको वेट करना चाहिए। अगर ये $30-25 के आसपास आता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पंप हुआ है पिछले एक महीने के अंदर, अगर ये $20-25-30 के आसपास आता है तो आप इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। और अगर आप इसको 4-5 साल तक रख सकते हैं और इसका इकोसिस्टम जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये भी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देके चला जाए। और दोस्तों आज का हमारा आखिरी कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक, 18 इसकी रैंक चल रही है। अपना इंडियन डेवलपर्स का एक कॉइन है, देसी कॉइन है, $1.5 ये है इस टाइम पे चल रहा है। लेकिन इसकी अगर ग्रोथ की बात करते हैं कुछ पैसों से, क्या इस साल के अंदर इसने ग्रोथ दिखाई है, और इस टाइम पे अगर बात करें तो $1.5 तक पहुँच गया है। हाइप इसकी काफ़ी क्रिएट हुई थी, $2.5 तक ये चला गया था। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है, इसकी प्रोजेक्ट के अंदर जान है, एक यूज़ केस है जो इसको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है। और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी जैसे मार्केट ग्रो करेगी, क्रिप्टो करेंसी ग्रो करेगी, हमें एक पोटेंशियल दिखता है। लेकिन अगर आप इसको डिप अगर मिले उसको अंदर बाय कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म का ना देखें, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो हमें लगता है ये भी इसके अंदर पोटेंशियल है आने वाले टाइम में एक अच्छा आपको रिटर्न दे के जा सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये 10 कॉइन जो मैंने शेयर किए हैं आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन अपनी रिसर्च भी खुद अच्छे से कर लीजिएगा और इन्वेस्ट उतना ही कीजिए जितना आप रिस्क ले सको। और 5 साल के हिसाब से सिचुएशन देख रहे हो तो 5 साल में क्या हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आज की बात करूं इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। और आपको बता दूं अगर पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो और लॉन्ग टर्म तक अगर कोई भी कॉइन में आप बने हुए हो तो आपकी किस्मत अभी तक तो चेंज हो चुकी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़े हैं, वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम में शायद हमारी भी किस्मत चेंज हो जाए तो शायद ये कॉइन्स कुछ आपकी मदद कर सकें। तो दोस्तों वीडियो अभी तक देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।